स्ट्रीम शेड्यूल की 10-15 को आगे 10-17 को तो अरे नहीं 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 सारंग भाई आई इन टाइम पे इंटरनेट चला गया, मतलब करण का विषय नहीं है, करण का विषय नहीं है। कल रात को जब मैं एडिटिंग कर रहा था मेरे रूम में घुसा उंदीर, और मैं उंदीर को बहुत डरता हूँ दोस्तों, इतना बड़ा रट्ट है उंदीर। मैंने ये डोर जैसे खोला उंदीर ने डायरेक्ट वॉक्स करके वॉक्स एंट्री मारी, मैंने उड़ी मारी और डायरेक्ट मैं बाथरूम में उड़ी मारी। वो उंदीर ऐसा 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 गया, फिर उधर से वो जहाँ पे शूट होता है ना अपना, वो शूट का सामान को ऐसा वट्टावड़ा मार के फ्रिज के अंदर जाके पीछे घुस गया। फिर मैंने लेफ्ट में और राइट में फली लगाई, पोस्टर मतलब वो कार्डबोर्ड और थर्माकोल लगाया दो साइड पे, और उसको एंट्री देने के लिए जगह ऐसी रखी। और मैंने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि शायद ये बक्से में जाएगा, तो मैंने बक्सा ऐसा रखा और फिर मैं पीछे से ऐसा झाड़ू मारा, वो बाहर नहीं आला। फिर मेरे पास बेगोन स्प्रे था, बेगोन स्प्रे से मैंने कर किया, मुझे लगा बेगोन स्प्रे से उसको नशा आ जाएगा, फिर नशे में वो ऐसा लुड़ा भीड़ा होगा, फिर मैं उसको फेंक सकूंगा। लेकिन वो कमीना इतना नीच उंदीर था, वो छुपके, आई एम सॉरी मैं उसको नीच बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है उस चीज के लिए, क्योंकि उंदीर एक अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी वो यहां वहां जाके वायर अगर खा लेगा ना तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं उसको वो शब्द बोल रहा हूं। लेकिन आई एम सॉरी उंदीर मामा, ओके शायद तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन तुम कमीने हो ब्रो, समझ रहे हो ना। मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया हूँ, तुम्हारे घर का सामान मैंने खाया नहीं है, ना ही मैंने कुछ खराब किया है, लेकिन तुम मेरे नाजुक रूम में आके मेरी बर्बादी करने पे तुले हुए बच्चा, और तेरी लेंडिया यहाँ वहां पड़ी हुई थी कंटिन्यूअसली, मुझे साफ करनी पड़ी है उंदीर, अभी भी वैक्यूम क्लीनर में लेंडिया है। हाँ, तो विषय ऐसा है कि वो जाएगा, तो मैंने दरवाजा खोला और मैंने पीछे बेगोन स्प्रे मारा, लेकिन वो आया नहीं बाहर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर रूम में जाने के लिए मूव किया, उस कमीने ने ऐसा वाक के देखा होगा, और वो बक्से के बाजू से गया भाग के बाहर डायरेक्ट। मतलब उंदरों को भी इतना माइंड है कि बक्से में नहीं जाने का, नहीं तो फंस जाएंगे। मतलब दिमाग देखो, मैंने बक्सा कैसा रखा था, बक्सा खोला, बक्से का तो ओपन रहता ना, उसको उतरन की तरह बनाया था, और बक्से के नीचे एक थोकड़ा रखा था ताकि वो बक्सा ऐसा हो, समझ रहे हो, ऐसा, और अंदर से उसको खच्चा मारा, मतलब ऐसा वो चढ़ नहीं पाएगा उंदीर, ऐसे हिसाब से कि वो अंदर जाएगा तो मैं बक्से में उसको पैक करके डिलीवर कर दूंगा। लेकिन वो उंदीर इतना होशियार है, वो आगे गया, वो बेड के नीचे, बेड मतलब एक सोफा है उसके नीचे लपा हुआ है। लेकिन अभी ये वैयक्तिक भांडण हो रहा है भाईचा, और ये भांडण बहुत आगे बढ़ेगा अगर वो सुधरा नहीं। अगर उसने मेरे इलाके का कुछ भी चावा, या फिर मुझे कुछ भी दिक्कत मिली, उसकी लेंडिया यहाँ पे कहीं पे भी दिखी, तो मैटर बड़ा होने वाला है बच्चा, मैं बता रहा हूँ, मेरे से कुछ हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। इच्छा गावत उज्ज्वल पाटिल, थैंक यू 100, सॉरी 10।